में बहुत समस्या आएगी। अपन सोचेंगे कि यार ये तेरे जीवन का लाइफ, मेरी लाइफ के इन दोस्तों के आसपास घूम रही है, पर पता चलेगा कि दोस्त इतने ही साथ देंगे जब तक आप उनके साथ पैसा आप खुद से खर्च कर रहे हो, या फिर कुछ उनके साथ ऐसा मस्ती मौज कर रहे हो। जब पढ़ाई की बात आएगी तो वो खुद ही अलग हो जाएंगे, वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते जाओगे। सबसे मैं ना पढ़ाई को सबसे ज़्यादा वेटेज है आज के ज़माने में, पढ़ाई को वेटेज नहीं दोगे ना। मैं सबसे अच्छा यही मानता हूँ कि पढ़ाई के अलावा कोई अपना दोस्त नहीं है। पढ़ाई को इतना हाईलाइट कर रखो कि सारी प्रायोरिटीज पढ़ाई के बाद हो। तो ये राकेश कुमार है, वीडियो में इसका फुल मतलब क्या कहते हैं उसको, फाइनल सिलेक्शन हो गया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इनकी आगे भी मतलब इस तैयारी को ये रेगुलर रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आरएएस या अन्य कोई बड़े एग्जांपल, या जो भी आप देखना चाहो, एसएससी वगैरह हो गए जो आपके देख रहे हैं, इनमें ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनका अभी उद्देश्य तो है ये। सबसे मैंने कि टारगेट इतना बड़ा रखो कि छोटी जो पोस्टें हैं वो अपने आप आपके आसपास हो गई। मेरा टारगेट कभी वीडियो नहीं था, पहली बार मेरा जो टारगेट है वो टेक्निकल फील्ड से है, लेकिन अभी जो टारगेट है हर साल मेरा वो बीपीएससी लेवल के इसमें आता है। तो ये छोटी लेवल अपने आप क्लियर हो जाएंगे, टारगेट हाई रखोगे ना, तो टारगेट को जितना ऊंचा रखो उतना ही ज़्यादा है, उसके हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं अपन टारगेट को हल्का रखेंगे तो अपन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लो, पढ़ो 4 घंटे ही, पर उस टारगेट को ध्यान रख के पढ़ो। जैसे टारगेट बोलो तो हम कहेंगे कि हम पर्टिकुलर कंटेंट कहाँ से पढ़ रहे हैं, मेन समस्या है कि कंटेंट से लोग भटक रहे हैं। जैसे अपनी जो एज है, मान लो कि 20-25 के आसपास अपन सब कुछ घूम रहे हो, अपन को ये नहीं पता कि अपन को पढ़ना क्या। अभी तक मैंने नॉन टेक की कोचिंग जीके के सर के पास ही किया, जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो कंटेंट मुझे हो रहा है, वो बेस्ट कंटेंट मुझे मिल रहा है। अब देखते हैं कि पेपर्स में आपको एक बार देखा होगा कि मैं यहाँ आया हूँ स्टेज पे, मेरा मेन कंटेंट है कि जो सर से जो कंटेंट मिला है उसको रिकॉग्नाइज और याद रखने के लिए कई बार पढ़ोगे उसी को। मैंने कोचिंग लेने के बाद कोई किताब नहीं पढ़ी, चाहे रुसियन हो चाहे कोचिंग, कोचिंग के बाद नोट्स को ही पढ़ रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पर इनकी। कई बार पढ़ चुका हूँ। मैं अभी तक जितने भी हाँ, आता हूँ अपने कितना कई बार पढ़ चुका, नोट्स को बार बार पढ़ा। अब इसी बात को आप को रिलेट करो, आईएएस में पहले नंबर पर जो श्रुति शर्मा जी है, उनका सिलेक्शन हुआ पहले नंबर पर, क्या कहा, दो शब्द उन्होंने कहे, सीमित कंटेंट, सीमित सामग्री। आपके पास पढ़ने की जो सामग्री है सीमित होनी चाहिए। सीमित का यहाँ मतलब क्या है, सीमित का यहाँ पर मतलब ये है एग्जाम बेस्ड। ये नहीं कि आप कचरा पढ़े जा रहे हो, उसको छंटनी करनी आनी चाहिए। भाई समुद्र में से जैसे मोती छानते हैं ना, वैसे होना चाहिए। और दूसरा क्या कहा, नोट्स को बार बार पढ़े। आप देख लीजिए यूट्यूब पे, देखिए नोट्स को बार बार पढ़े, सेम यही बात रिप्रेजेंट हो रही है। एक चीज को बार बार पढ़ा इन्होंने, ये नहीं कि मुझे ये भी दे दे वो भी दे दे, शाम वाली क्लास भी ले लो और सुबह वाली क्लास भी ले लो, और किए जा रहे हैं जबकि मिल कुछ नहीं रहा। इससे फायदा ये होगा कि याद रखने के साथ आपको कंटेंट स्टेबलिश हो जाएगा, आपके माइंड में कि बार बार भूलोगे नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, आपने जैसे ये बच्चे जगह जगह कोचिंग भी करते हैं, हालांकि ये सभी सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक तो एक जगह कोचिंग करना और एक अलग अलग कोचिंग करना। मैं भी आपको कई बार इस बारे में गाइडलाइन करता हूं, तो इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपके सामने है। तो बताइए, आपने एक जगह की या अलग अलग की, या कहीं कोई भटकाव कभी महसूस किया? मेरी जितनी भी कोचिंग है सब अलग अलग हुई है, हर बैच से मेरी अलग हुई है। जैसे जीके की मेरी पहली बार कोचिंग है, इससे पहले मैथ की मेरी एक बार हो चुकी है, जितने भी मैंने टेक्निकल की कोचिंग है सब अलग अलग सब्जेक्ट की है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको कंटेंट ना सॉलिड मिलता है, मेरा फोकस है कंटेंट को जितना सॉलिड रखोगे ना उतनी आप और उसी कंटेंट को पढ़ो। मेन बात यह है कि कंटेंट से मत भागो, इधर उधर की कोई चीजें कंटेंट फालतू में रखने की याद आवश्यकता रखना नहीं ही है। मेन है, ऐसे कहीं से भी भर लो कंटेंट, जब तक याद नहीं होगा आप एग्जाम सेट कर ही नहीं पाओगे। मेरा कहने का इतना सही है कि जो पढ़ रहे हो उसी को बार बार पढ़ो। कई बार अपन देखते हैं कि सर के नोट्स के अलावा भी उनको क्वेश्चन पेपर देखते हैं, सर नोट्स के नहीं होते लेकिन वो कंटेंट ऐसा रखता है कि उसी नोट्स के हिसाब से भी आप कर सकते हो। इनके कहने का मतलब ये है कि यदि आप इनको बार बार पढ़ते हो, जैसे 15 बार पढ़ लिया, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो अपने नोट्स में नहीं है, और हो सकता है आपने कभी पढ़ा नहीं हो,
लेकिन उस क्वेश्चन को करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। जैसे मैंने आपको कई बार बताया ना कि ऑप्शन काटने की टेक्निक, आपको कहोगे नहीं नहीं इसमें ये तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन भी यदि आप काट दोगे, मान के चलना आप क्वेश्चन के निकट जा रहे हो, आंसर के निकट जा रहे हो, और आपको जल्दी दो ऑप्शन कट गए, नहीं नहीं ये मेरे हिसाब से नहीं, अब दो हो गए, दो में तो मैं यही कहूंगा कि दो में तो जब दो ऑप्शन आपके पास आ जाए तो इसमें तो तुक्का मारने का ही मजा आता है और तुक्का मारने का वो अधिकारी भी हो जाता है। लेकिन यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा चार, ना क्वेश्चन का पता ना आंसर का पता, और फिर तुक्का मारे हो जय श्री राम जय हनुमान जी, तो हनुमान जी क्या कर लेंगे, हनुमान जी क्या कर लेंगे, आपको तो उसका एक शब्द का ही अर्थ नहीं पता। तो इनके कहने का मतलब ये है, इन्होंने जो बात कही है, एक तो इन्होंने कहा है कंटेंट को महत्व दे, ठीक है, जैसे मैंने अभी श्रुति शर्मा जी का एग्जांपल आपको दिया, उन्होंने भी यही कहा है कि आपका सीमित कंटेंट होना चाहिए। यही तो लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। एक कहा नोट्स को पढ़े, ठीक है ना, आपके पास जो नोट्स है ना, भटकाव ना करें मैं ये किताब ले लूं वो किताब, मार्केट में तीन ज्ञान की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें, और हर टीचर अपनी किताब को आगे कह देता है कि ये मेरी खरीद लीजिए, वो इसमें ये है इसमें वो है, और आपके पास भी कई बैठे होंगे प्राणी यहाँ पर, उनके पास जैसे मान लीजिए राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो पांच किताबें हैं, मिल जाएगा, आप खुद को आंकलित करो, ये गलत है, ये गलत है, ध्यान रखना ये गलत है। पांच किताबें पढ़ लोगे क्या, पहले तो ये बताइए, और पढ़ लोगे बाई चांस, पढ़ लिया ना जी मैंने पढ़ ली, याद कर लोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे कभी, वो पांच किताबों का जंजाल ऐसे बन जाएगा आपके दिमाग में कि वो आंसर होगा जोधपुर और जैसलमेर एक जैसे लगेगा आपको। इनके कहने का मतलब यही है कि जो नोट्स आपके बनाए या आपने खुद ने बनाए हो या आप बना रहे हो, जो भी किसी भी तरीके से आपके पास जो नोट्स है उसको आप बार बार पढ़ें, प्लस आपके वो नोट्स सभी जो नोट्स है वो तभी कारगर साबित होंगे जब आप अलग अलग करो, अलग अलग विद्वान से करो, तब होंगे। इनके कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब तो मैं बार बार बताता ही रहता। अब होता क्या है, जैसे कई बच्चों से पूछते हैं अरे सर एक जगह ही मिल जाता है सर, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बड़ी अच्छी बात है भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन कब तक, चार पांच महीने बाद, उसके बाद पेपर दो फिर वापस वही स्टार्ट, वापस वही स्टार्ट। आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे यहाँ जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो सब ने अलग अलग किया है, अलग अलग किया है, सब ने अलग अलग किया। इनका भाई है सिलेक्ट हुआ, फोटो लगी हुई है उधर, अलग अलग किया उन्होंने, बिल्कुल किया, और समझते हैं इन चीज़ों को, समझते हैं इन चीज़ों को। अब ये जो उनकी सिस्टर है, बच्ची है ये, अब यदि ये मान के चलना कि यदि ये खुद ही आती तो उन चीज़ों को नहीं समझ पाती है, नहीं समझ पाती, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये जिस दिशा में चल रही है वो कामयाबी तय ही करेगी, ऐसा नहीं है, उसमें अपना खुद का एफर्ट भी होता है, खुद का एफर्ट भी लगाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों को हम मानते हैं, लेकिन जब दिशा गलत होती है तो हमें हो सकता है असफलता मिल जाए, लेकिन असफलता के बाद सफलता मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो वेंस इनका कोई पहला पेपर नहीं है, बताओगे? नहीं है, मतलब मैं कई बार रिटर्न दे चुका हूं, उसमें नहीं हुआ, बताओ, नहीं मान क्यों ले भाई, तो उसमें मेरी तैयारी नहीं, मेंस की कभी तैयारी नहीं करी ना। अब मेंस, अब देखो नोट्स पढ़े हैं, मेंस की तैयारी नहीं की, ये छोड़िए मेंस तक पहुंच तो गया, पहुंचना छोटी बात होती है क्या, पेपर देके देना अभी वैकेंसी आएगी पता लग जाएगा आपको, इधर उधर भागते नहीं फिरे थे, मेंस तक पहुंच गए और थोड़ा सा और एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा लिखने की स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। इस चीज से नहीं घबराना कि मैं कितने एग्जाम दे चुका हूँ, एग्जाम कितने भी फेल हो सफल एक में ही होना है, और असफलता तो आती रहेगी, एक ऐसा एग्जाम होगा जिसमें अपन सफल हो गया, सभी तरफ उसी एग्जाम से पूछे जाएंगे अरे इसमें पास हो गया इसमें पास, तो एग्जाम देने से घबराना नहीं है, कोई भी एग्जाम हो अब जिस फील्ड में हो उसके तो देने ही देने हैं, क्योंकि उस फील्ड से रिलेटेड कोई भी तैयारी है तो उसको दे सकते हो। जैसे मेरा फिल्म टेक्निकल है तो राजस्थान का नहीं था, राजस्थान जब जाइए ना जेई की भर्ती आती उसमें राजस्थान जीके था, मेरा वो राजस्थान जीके से स्ट्रॉन्ग होते हुए मेरा वीडियो राजस्थान जीके और फिर वो करंट है
और स्टैटिक्स इंडिया वाला पोर्शन है वहां से मुझे रक्षण वीडियो का मिला, कैसे एक तैयारी दूसरी तैयारी में शामिल हो गई। कोरिलेट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ मेरा एस एस सी हो रक्षण जेएनएलटी फाइनल डॉक्यूमेंट कह रही है उसके बाद ही बताए। अच्छा बताइए, अब आप देखिए इस बच्चे को आपने कभी देखा होगा, जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बता देता है। तो किन नियमों पर चलता है ये इन नियमों पर चलता है कि जो इसके पास कंटेंट है उसको बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़िए, जो आपको कंटेंट दे दिया उसको बार बार पढ़े। ज्यादा कोई समस्या आएगी, कोई ऐड करना है, वैल्यू एडेड करना है, वो करंट होता है, करंट की कोई भी बात है उसके अंदर ऐड कर दो। अच्छा अब एक बात और बताओ, ये भी कई भुक्तभोगी है यहाँ पर, ये बताइए कि आपके कोई मतलब चुनौतियां क्या रही लाइफ के अंदर, जैसे किसी ने कुछ कहा हो तू कुछ नहीं कर सकता, जानते हैं हम ऐसा। तो मुझे लगता है ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके साथ ये डिजाइन नहीं करती होगी। आपके आसपास एक दो दोस्त ना, जो सबसे पहले आता है पड़ोसी, दोस्त उसको छोड़ो, जो सबसे आस पास पड़ोसी रहते हैं ना वो इतना परेशान करते हैं, जब भी कहीं गाँव जाओ है क्या ये? सभी भोगी हो क्या आप? तो होंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जितना भुगत हो गया हूँ, मेरा पिछले कई महीनों से गांव जाना छोड़ जाता हूँ अभी तक। अब गांव में काफ़ी दिनों बाद जाऊँगा, जहाँ मेरा भैया रहता है तो भैया के साथ मैं जाता रहता हूँ, तो जो गांव है वहाँ जाना मेरे लिए छोड़ रहा है, हर कोई पूछता है, उनका जवाब देने का सबसे अच्छा शांत रहो और जवाब अपने आप मिल जाएगा, सक्सेस हो गया ना, मिल गया ना जवाब अपने आप। अच्छा क्या कहते हैं, एक दो कोई वाक्यांश बताओ इनको कोई, ताकि ये वो ये कहते हैं कि इतने साल हो गए तो वहाँ पे क्या कर रहा है, फालतू में टाइम पास कर रहा है, वापस आ रहा है, यहीं पर इससे बढ़िया है उनको इग्नोर करो। मैंने तो यही सीखा, इग्नोर करोगे ना आप उतने ज़्यादा बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, लोग मिलेंगे करो, उनसे लड़ाई करोगे तो आप खुद को ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस करोगे कि यहाँ पे खुद का ही नुकसान करोगे, सबसे बात लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है किसी से, लड़ाई मत करो, कामयाबी जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, हो गया ना, सबसे पहले रिजल्ट उन्हीं ने देखा होगा, होता है ये, होता है, ध्यान रखना। होने के बाद क्या कहते हैं, हम तो जानते ही थे तुम करता होगे, बताओ होने के बाद तो हर कोई कहता है, लेकिन पहले तो दिखता था कुछ करेगा। अब कभी भी माँ बाप का साथ मत छोड़ो, माँ बाप एक ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, चाहे माँ बाप कितने भी गंदे हो, कंडीशन होती है, इसको कभी गलत नहीं बोलना। कोई कहता है कि मुझे मैंने के 3,000 रुपए देते हैं, 5,000 क्यों नहीं देते, मेरे रूम पार्टी को 10,000 देते हैं, मुझे 2,000 क्यों देते, कंपेरिजन कभी मत करिए, क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी आगे ना बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जितना उनकी हैसियत है या फिर वो एक मेन मुद्दा होता है कि आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने से बचाए, क्योंकि अपने जेब में जितना पैसा आएगा आप उतना खर्चा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ना कि मैं ये हमें आपको क्यों नहीं जानते, आपके माँ बाप सब पता है कि ये इसको थोड़ा सा भेज दो ये झट ले आएगा, एक्स्ट्रा पैसे मिलते ही उनकी मजबूरियाँ हो सकते हैं कि उनके पास पैसा अच्छा भेज सकते हो, लेकिन वो आपके सक्सेस के लिए ही पैसे को नहीं भेजते, मैं जितना समझ पाता हूँ। और कुछ पूछना चाहो तो इनसे बात कर सकते हो आप, जो भी कोई